तो ये नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं क्या? Yes, sir. इसमें से कौन कौन कर सकता है भाई ये सारे काम बताना अच्छे से. तो सारे कर सकते हैं, इमिंसी हेल्थ रिपेयर, इमिंसी वाला, इसके बाद हम इमिंसी चेंज वाला भी देखेंगे. ठीक है, अभी इसको वेट करते हैं. उसको कितना टाइम लग रहा है? मिनिमम आपको 13 मिनट्स लगेगा. ठीक है, तो 13 मिनट्स के लिए वेट करेंगे अपन. वहां पे कॉर्नर पे टाइम आता है, उतना टाइम लगेगा, तो उतना वेट करेंगे अपन. अब एक स्टूडेंट है, आप पता है आपका नाम क्या है? राहुल. राहुल, आप कहाँ से? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कहाँ से? वर्धा. तो राहुल, आप यहाँ पे ये कौन सा इमिंसी लगा हुआ और यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? क्या प्रॉब्लम आया? नहीं, रियलमी 3 का है. रियलमी 3 है. तो डेढ़ है. इसमें क्या प्रॉब्लम आया रियलमी 3 का आईसी में? बताओ कहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम लिख के आपको? सर यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम लिख के आया. कौन और नहीं हो रहा है? तो अब यहाँ पे क्या करने वाले? अपन इसके हेल्थ रिपेयर करेंगे. तो आपको ये पता हो गया पूरा प्रोसेस कैसे हेल्थ रिपेयर करना है? तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताओ. यहाँ सारे स्टूडेंट को भी देखेंगे, आप भी कर रहे हो. बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लिए एमसी को. एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक करवाओ. ठीक है, यहाँ पे 90% कंज्यूम लिख के. अगर रिपेयर होने के बाद वहाँ क्या लिख के आना चाहिए? नॉर्मल. नॉर्मल लिख के आना चाहिए ना? हाँ सर. ओके, चलो सर बैकअप तो ले लिया इसको. हाँ, बैकअप का तो इसमें इश्यू नहीं है. चलो अभी करना क्या है? रिपेयर रिपेयर करना सबसे पहले. हाँ, इरेज फैक्ट्री. हाँ ओके. ठीक है, यहाँ पे डन हो गया. उसके बाद फिर से आइडेंटिफाई करना. ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री इरेज में आपका हेल्थ प्रॉब्लम जाता है क्या? नहीं जाता. उसके लिए क्या करेंगे आप? सभी की आवाज आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे इम्यूनसी पार्टीशनिंग में आपको पता है कि कौन से बॉक्स मेरा मेन है, फिर भी हम सारे बॉक्स को चेक लगा रहे हैं. ओके, यहाँ से हमारा क्या होगा? पार्टीशन हेल्थ रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, करना. ठीक है, डन. वापस से आप आईसी को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीटेड. आपको पता है ये क्या लिख के आ रहा है? ये हमारा पार्टीशन क्या हो गया? एक बार हेल्थ चेक करवाना भाई इसका कितना है अभी. पहले कितना था हमारा हेल्थ? एक बार हेल्थ चेक करवाना यहाँ पे. नॉर्मल. पहले क्या लिख के था यहाँ पे? 90% कंज्यूम. ठीक है, और एमएलसी का हेल्थ 20-30% पे था. अभी क्या हो गया? 0-10% पे दोनों भी हेल्थ आ गए. ये कितने बार बनेगा आईसी? वन टाइम प्रोग्रामेबल है. आपको वहाँ पे मैसेज भी आता है, नोटिस कि आप वन टाइम ही इसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं. चलो ठीक है, अभी इसका डंप हमें वापस डालना है. तो आपको मालूम है इसका फोर्थ प्रोसेस हमारा क्या है? रिस्टोर डंप. चलो ठीक है, ठीक है, ये हमारा डंप है. तो यहाँ पे फोर फाइल्स आपको बताया था. फोर फाइल्स EXT CXD कौन सा फाइल है हमारा? हाँ, पहला EXT CXD डालेंगे. उसके बाद यूजर एरिया. उसके बाद बूट वन. चलो ठीक है, ये सारे फाइल्स के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है. इसके बारे में पता किए कि ये फाइल क्या काम करती है. आप लोगों को पता है ना EXT CXD का काम. उसके बाद यूजर एरिया का काम, बूट वन बूट टू. ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने यूजर एरिया डाल दिया फाइल, यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर कौन सा वर्जन चल के बता रहा है. RMX 18 21 वर्जन 9 सब बता के है यहाँ पे. और नीचे क्या है ये ऑप्शन?
आप इनसी चेंज कौन सी कर सकते हैं ये आपका मीडिया टेक के अंदर बताता है, ठीक है, ये सब पता है। अब क्या करना है भाई, हमने करो ठीक है। तो राहुल आप जैसे कि आपने यहाँ पे 90% का हेल्थ रिपेयर किया, उसके बाद आपको डम्प एक्सप्लोर डम्प रेड करके राइड भी किए, तो यहाँ आने से पहले सारी चीजें मालूम थी क्या? नहीं। आप पहले क्या करते थे? हार्डवेयर करते थे, सॉफ्टवेयर वाला बस अनलॉकिंग वगैरह आप करते थे यूएमटी के जरिए से। लेकिन जो यूएमटी में अगर आपको फ्लैशिंग मिरर आ जाता है तो वो भी आपको पता चल गया कि वो एरर कैसे होता है और एमएमसी के अंदर कैसे एरर्स आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप ये अभी हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, डेड बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं, आईसी को चेक करना भी आपको सिखा दिया मैंने, चेक कैसे करना है आपको, सीआईडी बता दिया, सीएसडी बता दिया, ठीक है। फिर आपको एमएलसी क्या होता है, एसएलसी क्या होता है, हेल्थ के बारे में आप पूरा देख लीजिए। तो यहाँ से अभी ये आप कर सकते हैं बिंदास कॉन्फिडेंस, आप सेटिस्फाइड है? तो यहाँ से क्लैप फॉर इनके लिए। तो ये नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं क्या? यस सर। इसमें से कौन कौन कर सकता है भाई ये सारे काम बताना अच्छे से। तो सारे कर सकते हैं इमिंसी हेल्थ रिपेयर, इमिंसी वाला, इसके बाद हम इमिंसी चेंज वाला भी देखेंगे, ठीक है। अभी इसको वेट करते हैं, उसको कितना टाइम लग रहा है? मिनिमम आपको 13 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो 13 मिनट्स के लिए वेट करेंगे अपन, वहां पे कॉर्नर पे टाइम आता है उतना टाइम लगेगा, तो उतना वेट करेंगे अपन। उसके बाद ये आईसी हम इन्हीं के हाथ से लगा के चालू करेंगे फोन को। आईसी को ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या आया, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन आ गया, डेड बोर्ड हमारा क्लियर है, मीडिया टेक का 0-48 आ गया। एक बार हेल्थ चेक कराना फिर से पार्टीशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल है। लास्ट हमारा प्रोसेस, जब भी हम काम करेंगे कुछ भी, एक आपके हैबिट क्या बननी चाहिए, एफआरपी रिमूव करने वाली, तो बताना एफआरपी कहाँ से रिमूव करेंगे, यूजर एरिया पार्ट में जाके स्पेशल टास्क, देन उसके बाद क्लियर एफआरपी, ओके। ये सारे आपको प्रोसेस याद रहना चाहिए, आपने ये हमें बनाना है, क्लियर एफआरपी डन, ओके। ओप्पो का फोन है, ठीक है, चलो एक बार आइडेंटिफाई कैसे करना, कस्टमर के पास, चलो यहाँ पे फ्री हो गया हमारा। अब आईसी को निकाल के बोर्ड में लगा के ऑन करेंगे अपन, ठीक है, आईसी निकालना इस वजह से,
इसका डिस्प्ले कहाँ है? बोर्ड में लगा के देखना, चार्ज लगा, चार्ज एक बार चार्ज लगा देखना, चार्ज लगा, टाइप सी नहीं है, एक ही बार लगाना, सिक्स पॉइंट नहीं था क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड सर। उन्होंने चार्ज उन्होंने यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ गया, ये हमारा डेड फोन कंडीशन में था, तो अभी ये हमारा क्या हो रहा है, अभी चार्जिंग का लोगो आ रहा है। ठीक है, हाथ में रख ले, हाथ में लेना फोन, हाथ में लेना फोन, चार्जिंग का लोगो आएगा इसमें, इसके बाद ऑन करके बताना इसको, डिस्प्ले क्या दिखाएंगे? नहीं नहीं, प्रेस कर, पावर बटन प्रेस कर, और बस बस बस, आया आया आया। ठीक है, एक दो मिनट ऐसे ही रुकना, बैटरी फुल फुल डाउन है इसकी। ठीक है, एक बार डीसी मशीन से ऑन करवाना, उधर जाओ, ठीक है, रियलमी नाम आ गया, फर्स्ट लोगो आ गया, अभी देखेंगे सेकंड लोगो हमारा आता है कि नहीं, अगर सेकंड लोगो आ गया तो हमारा फोन वाइप डाटा हो गया, मतलब ये ऑन होने के लिए तैयार है। बताना इधर, अक्षय सेकंड लोगो आ गया, सेकंड लोगो आ गया, वेरी गुड। अभी पूरा ऑन होने के लिए वेट करेंगे एक बार, इसका बैटरी डाउन होने की वजह से हमने यहाँ पे डीसी से ऑन किया है। ठीक है, इनके लिए जोरदार क्लैप्स एक बार। यहाँ हमारा फोन ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम एक कोड डालेंगे इमरजेंसी में, जो हमारा बाईपास करने वाला, कॉल दबाना है क्या? कॉल नहीं दबाना, वेट करना है, वेट करना है 5 सेकेंड्स, उसके बाद स्क्रीन आ गई। ठीक है, ओके, चलो ओके कुछ फोटो वोटो है लगाए सो निकाले सो पुराना इसी का ये देखो भाई ऑन हो गया, एक बार क्लैप्स करो भाई इसके लिए जोरदार, क्या बात है, वाह खुल जाएगा अभी, ये देख आ गया ना लोगो। क्या किया इसमें अभी? IC कौन सा कौन सा? EMMC CPU ब्लैक पेस्टेड खोले, हार्ड ग्लू आप ही खोले? यस सर।
पहले भी ऑन था ना ये? हाँ। ऑन था, सीपीयू निकाले, एमएमसी निकाले, आज कितने दिन हो गया अपने को? चौथा दिन है। चौथा दिन है, पहले कभी करते थे ऐसा? नहीं। कहाँ सीखे ये सब? यहाँ फिक्स में। तो एक्सपेक्टेशन करे थे क्या? ब्लैक पेस्ट आईसी खोल के निकाल के लगा के ऑन कर लूंगा कभी? नहीं। सोच के थे आए थे, मिल रहा है जो हमें? कैसा लगा अभी ऑन हो रहा है सेट? अच्छा। कहाँ से है तुम वैसे? वर्धा। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है। अच्छा, कब से काम कर रहे थे तुम पहले? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए। अभी चार दिन के बाद में अभी कैसा लग रहा? पहले अभी आप अपडेट के लिए आए, अगर पहले आते तो 4-5 साल पहले बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, आपकी इनकम कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाती थी, है ना? यस। अभी आए कैसा है आप यहाँ? फोन फिक्स कैसा है? अच्छा है। नहीं, कैसा है, किसके थ्रू आए? वीडियो वगैरह देख के आए? तो जो सोच के आए थे मिल रहा? यस सर। आपको पहले आईसी रिवॉल्विंग सिखाए? यस सर। सीपीयू वगैरह रिवॉल्विंग सिखाए? पहले विदाउट पेस्टेड पे भी करे आप 4G में? विदाउट पेस्टेड के बाद में आप किस पे करें? हार्ड ग्लू ब्लैक पेस्टेड। अच्छा लग रहा, ऑन हो गया सेट? हाथ से करे ना पूरा सब कुछ? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। वेल डन, वेल डन।